बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मैं बेसिक इसमें आपको चीज़ बताने वाला हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में आपको मालूम है कि इसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एक तरफ मौजूद हो और बल्कि ग्रुप्स या तो एक साइड पर मौजूद हो या अल्टरनेट पोजीशन पर मौजूद हो, अगर हमारे पास सेम साइड पर होंगे तो उसको हम सिस आइसोमर का नाम देते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पर होंगे तो उसको हम ट्रांस आइसोमर्स का नाम देते हैं। इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हम इनको आइसोमर्स को किस तरह से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने आइसोमर्स पाए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन के लिए या उनकी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें दो चीज़ों को देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर है और इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, इट्स मीन ओड और इवन डबल बॉन्ड देखेंगे कि कितने इवन पाए जाते हैं और कितने डबल और सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो इस हवाले से हमने इनकी तीन टाइप्स बनाई हैं जो कि बनाई जाती हैं कि अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा पाए जाते हैं उनको हम पोलिन्स का नाम देते हैं, अगर आपके पास पोलिन्स हैं और उनके जो एंड्स हैं यानी कि टर्मिनल जो ग्रुप्स होते हैं, अगर पोलिन्स में टर्मिनल ग्रुप्स, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये टर्मिनल ग्रुप्स हों, दोनों तरफ टर्मिनल ग्रुप्स, बोथ साइड्स, हम चेक करेंगे कि वो टर्मिनल ग्रुप्स जो उनके हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी किस्म के हमारे पास हैं टाइप टू वेंट पोलिएंड्स के जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो सेम होने चाहिए, और उसमें भी दो तरह के हैं कि एक में है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो या फिर आपके पास डबल बॉन्ड ओड नंबर में हो। तो इस हिसाब से हम इनकी तीन कैटेगरीज बनाते हैं और उसके वाले से हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसको यूज़ करके हम आसानी के साथ इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पोलिन्स के जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो दिए गए हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं जो कि पोलिन्स बना रहे हैं। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 2n। n हमारे पास क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, अगर हम इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई सी भी आपको स्ट्रक्चर दी जाती है उसमें आपने ये पुट करनी है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 और 4 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप कोई भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, इस तरह वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। टाइप टू में देखिएगा, अगर आपके पास टर्मिनल ग्रुप पोलिन्स में सेम होते हैं और डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में हो, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये सेम है CH3 CH3 टर्मिनल ग्रुप्स, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2n-1 प्लस 2n/2-1। वैल्यू पुट करेंगे, अगर टू डबल बॉन्ड्स हैं 1 एंड 2 तो 2 पुट करेंगे, 2 2/2-1 प्लस 2/2/2-1, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2-1 1 हो जाएगा और 2/1 आएगा, 1-1 0, तो 0 के वो हम सॉल्व करेंगे ये 1 आएगा, 1 और 2 और 3, तो इसके हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड इवन ओड नंबर में हो, वहाँ इवन में था यहाँ ओड नंबर में, इट्स मीन 1 2 और 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं और ये CH3 और CH3 यहाँ पर सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं 2n-1 प्लस 2n-1/2। तो अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें तो हम यूज़ करेंगे 2/3-1 प्लस 2 3-1/2। 3-1 को सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, 3-1 को 2/2 2/2 1 हो जाएगा, तो 2 2 और 4 4 1, यहाँ पर 1 इसको सॉल्व करेंगे या 2 आएगा, 4+2 6, इट्स मीन इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके पॉसिबल्स हैं बनने। तो इस तरह से हम आसानी के साथ जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं, आप तीन फार्मूले याद कर लें और इसकी तीन कंडीशंस हैं, तीन टाइप्स हैं, तो आपको आसानी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।